झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विधानसभा के बाहर भाजपा के तमाम विधायक जो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है और इसके अलावा जो राज्य की विधि व्यवस्था है इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के हाथों में तख्ती है और तख्ती पर विभिन्न जो मांग है, जो स्लोगन है वो लिखा। अगर हम सामने दिखाएं तो कोयरी जाति, कुशवाहा जाति को डांगी जाति की तरह एनेक्स्टर वन में शामिल करने की मांग की है और इसके अलावा अगर ऊपर आपको दिखा तो वर्ग 3 एवं 4 की नौकरी झारखंडी युवाओं को आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, स्थानीय नीति नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार दिन प्रतिदिन विफलता की ओर जा रही है। जो इस प्रदेश की जनता से राज्य सरकार ने जो वादे किए थे आज वो कहीं ना कहीं वादा विफलता की ओर जा रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बराबर इनको दिशा दिखाने के काम की है। लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार हर एक कार्य में विफलता हो, चाहे वो स्थानीय नीति हो या अन्य और मुद्दा हो, सभी मुद्दा में कहीं ना कहीं उनकी कोई भी कार्य इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए सक्षम नहीं है। इसके आज भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को दिशा दिखाने का काम करी और निश्चित तौर पर आने वाला दिन भी भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती से इस प्रदेश के विकास के लिए और इस प्रदेश के आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की लड़ाई लड़ेगी। यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के माता बहनों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है उस पर पुरजोर भारतीय जनता पार्टी सरकार को आईना दिखाकर कार्य काम करेगी। देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि यह सरकार जब से बनी है चाहे जो भी मुद्दा हो उस पर विफल साबित हुई है। तमाम चीज़ों पर जो वादा करके सत्ता में आई थी या अब सत्ता में आने के बाद उन तमाम वादों से अलग हटकर काम कर रही। हम और विधायकों से यहाँ पर बात करते हैं और आप कोयरी जाति को और कुशवाहा जाति को दांगी जाति की तरह एनेक्टर वन में, तो क्या सदन में भी मामला उठेगा? आज मामला उठेगा। सबसे बड़ी बात है कोयरी जाति में दांगी कुशवाहा एक ही है, एक को जो है सो एनेक्सर वन में रखा गया है, दूसरे को एनेक्सर टू में रखा गया है। इस तरह से दांगी समाज और कुशवाहा समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार उनको दोनों को एनेक्सर वन में शामिल करे, यही मांग है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कोयरी और कुशवाहा जाति एक ही है लेकिन अलग अलग दो भागों में बांट कर रखा गया और भी यहाँ पर राज्य की विधि व्यवस्था पर हर दिन सवाल उठा रहे हैं लेकिन वारदात नहीं रुक रही है। देखिए, सरकार एक कमजोर सरकार है। इस सरकार में ये मादा नहीं है, दम नहीं है कि ये रोक सके। देखना चाहिए यूपी की सरकार को कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है और वहाँ अपराधी उस राज्य में जाने से घबराते हैं। तो यहाँ पर तो रोज कल हजारीबाग में एक महिला की हत्या कर दी गई है, संभावित रूप से रेप का भी हम लोग संदेह कर रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पर एकदम बद से बदतर और मेरे ख्याल से सबसे नीचे पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे खराब राज्यों में से एक होगा। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो पीरी चाको सुनारी और जमुने सिंचाई परियोजना, क्या कहेंगे विधायक जी? पलामू में अगर बात करें तो सिंचाई की एक बड़ी समस्या और आप मांग लेकर भी बैठे हैं। कोई ना कोई आश्वासन दे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने विभागीय मंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके टेबल पर पाकी विधानसभा का महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना चाको सोने पीरी और जमुने आज एक साल से टेबल पड़ा हुआ है, इन्होंने स्वीकृति नहीं दी है और इस कारण से इस परियोजना अश्वाधर में लटका हुआ है और जो पानी आज बर्बाद हो रहा है बह करके नदी नाले में जा रहा है। अगर इसको सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो जाता तो पांकी विधानसभा के खेतों में हरियाली होती है, किसानों में खुशहाली होती है और इसी को ध्यान आकर्षित कराने के लिए मुख्यमंत्री इसको स्वीकृति दें जिससे कि यहाँ पर खेतों में पानी आ सके और लोगों में खुशहाली आ सके। साल की भी स्थिति बनी हुई है, पानी हुआ नहीं है। अब पानी जो भी हुआ वो तो बह करके चला गया नदी में, इसलिए जो है इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं कि इस परियोजना का जल्द से स्वीकृति प्रदान करें। साफ तौर पर सुना आपने कि यह पलामू से आता है और पलामू में जो सिंचाई की एक बड़ी समस्या है, अकाल जैसी स्थिति फिर एक बार हो गई है क्योंकि बरसात नहीं, और इसे देखते हुए अब सदन तक यह मामला उठाए और पीरी चाको सोनारी और जमुने सिंचाई परियोजना को अविलंब स्वीकृति देने की
मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने तमाम जो भाजपा विधायक बैठे हैं वो झारखंडी युवाओं के स्थानीय नीति घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कोई कोयरी जाति और कुशवाहा जाति को डांगी जाति की तरह इलेक्टर वन में शामिल कर रहे हैं, तो कोई विधि व्यवस्था। तो जिस तरह से झारखंड में हाल के दिनों में घटनाएँ घट रही है उसे लेकर भी सदन में जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और ऐसा ही हाल उम्मीद है कि जब तक मानसून सत्र चलेगा ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट।